Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. So today we are going to do something very weird. आप लोगों ने इस चैनल पे कॉमेडी देख ली, ब्लॉगिंग देख ली, अब आप देखेंगे एक मिनट लाने को अनबॉक्सिंग. और किस चीज का करने वाले वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ. तो भाई अभी ये टेक्निकल गुरुजी का तो अनबॉक्सिंग प्लेटफॉर्म है नहीं कि आपको ये साफ सुथरा मिलेगा. अपने ही टेबल पर अनबॉक्स कर रहा हूँ. कुछ भी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइज योर हैंड. और ये बॉक्स भी सैनिटाइज हो चुका है. गाइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप कुछ भी बाहर से लाते हो ना तो पहले घर पे लाने से पहले या उसको छूने से पहले पहले उसको डिसइनफेक्ट कर लो. हाँ तो चलिए एक मिनट टेक्निकल गुरुजी के भाषा में बोलते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस ये जो फोन है इसको मैं मंगवाया है सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट से. सो दिस इज़ द सैमसंग मेगा मॉन्स्टर M31 जो कि ये 8GB और 128GB के वेरिएंट में है. तो इसमें और कुछ नहीं है. सो दिस इज़ द इनवॉइस. एड्रेस मत देखो कोई बात नहीं. सो दिस इज़ द 8GB 128GB वेरिएंट एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20 to 21,000. सो लेट्स अनबॉक्स इट. खोलना अबे खोलना भाई. इतना तो दुल्हन भी नहीं शर्माती जितना तू शर्मा रहा है बाहर आने में. हाँ खुल गया. भाई बहुत ही कड़क पैकिंग है. एक मिनट निकाल देते हैं. हाँ सो गाइस दिस इज द फोन सैमसंग गैलेक्सी M31. तो अभी हम ट्राई करते हैं जैसे अनबॉक्सिंग चैनल में बोलते हैं. सो गाइस ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31. साला ब्लेड से दाग हो गया भाई. चलो कोई बात नहीं. सामने की तरफ आपको मिल जाती है खूबसूरत सा फोन का इंटरफेस देखने को. ऊपर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है. ये जो डिब्बा मिलता है ये आपको व्हाइट कलर में मिलता है, ब्लैक कलर में आपको नहीं मिल सकता. साइड में जो है वो सैमसंग गैलेक्सी M31 लिखा है. सॉरी मेरा दूसरा फ़ोन बज रहा है, आई एम सॉरी. तो साइड में आपको लिखा मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी M31. अब सैमसंग तो लिखा रहेगा, एप्पल का तो फ़ोन है नहीं. सो यहाँ पे जो क्या लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा है 22,000 रुपये. डिस्काउंट करके वही आपको 21,000-20,000 के अंदर मिल जाएगा फ़ोन. अगर आप EMI करते तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा. सो ये है 8GB 128GB वेरिएंट में दिख रहा है या नहीं. हाँ 8GB 128GB वेरिएंट में. अच्छा तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं. इसमें लिखा है इंडियन सिम कार्ड्स ओनली, ये आपको याद रहे. सो अभी चलिए इसको खोलते हैं. देखिए भाई हाथ में कट गया अपना. अब आना पोकड़ में म्यूजिक दे रहा हूँ ये साल निकालते. तो गाइस M30 की तरह इसमें भी एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है. ऊपर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको वही एज यूजुअल एक सिम इजेक्टर पिन मिलता है. और अंदर आपको कोई पढ़ता भी है इसे क्यों भेजते भाई. सैमसंग अगर ये आप देख रहे हो तो पेपर बचाओ, इसे कोई नहीं पढ़ता. आप इसे ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हो. और भी अच्छा रहेगा अगर आप इसके अंदर एक बैक कवर दे दे तो. सो गाइस ये रहा हमारा फ़ोन. मैंने मंगवाया था ब्लू कलर में, आ गया है ब्लैक. कोई बात नहीं चला लेंगे. रखते साइड में. बॉक्स में आपको मिलता है एक कितना वाट का टेक्निकल वाट तो मेरे को नहीं पता. 5V 2A का एक फास्ट चार्जिंग मिल जाता है. और साथ ही में मिलता है आपको एक USB टाइप सी का केबल जो कि इतना सा केबल है, आपका ज़्यादा दूर तक नहीं है. अगर आप आपका चार्जिंग पोर्ट आपके बेड से दूर है तो आपको नहीं मिल सकता चार्जिंग का सुविधा. तो देख के नया केबल मंगवा लीजिए. सो गाइस अभी निकालते हैं अपने फ़ोन को. अभी निकालना यार ये गलत क्या यार, मैंने ब्लू मंगवाया था ब्लैक आ गया मेरे पास. तो गाइस ये जो ऊपर लगा हुआ है ये है एक प्लास्टिक का रैपर.
बहुत ही अच्छी चीज़ है, फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बुरी चीज़ ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। फिर से बता तो गाइज, इग्नोर करना है यार, मेरा फ़ोन तब से बज रहा है, फ़ोन मरे जा रहा है बात करने के लिए। हाँ, तो ये है एक प्लास्टिक का रैपर जो कि आपको फ़ोन का, फ़ोन को गार्ड करता है स्क्रैच फ्रैच आने से, लेकिन इसको आप बाहर मत फेंकिए, स्वच्छ भारत चल रहा है। तो गाइस, फ़ोन को हमने कर लिया है बूट, और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे की तरफ आपको मिलता है एक सैमसंग का ब्रांडिंग, बहुत ही ग्लॉसी है। अगर आप खाली हाथों से टच करते हैं तो उसमें आपका फिंगरप्रिंट आ जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप बैक कवर डाल सकते हैं, इसे ना निकालो तो चलेगा, रहने दे। अगर आप इस चीज़ को निकालते हैं ना, तो इसको कहीं पे डिब्बे में चिपका दीजिए या कुछ भी कीजिए, ये बहुत ही कारगर चीज़ है, इसमें आपका IMEI नंबर सब रहता है। सो, पीछे की तरफ एक कैमरा दिया हुआ है, जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, उसके साथ एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और 2 5 मेगापिक्सल के। डिटेल्स में मेरे को नहीं पता, टेक्निकल लाइन का आदमी हूँ नहीं मैं। सामने की तरफ शायद 30 मेगापिक्सल कितना देता है मेरे को पता नहीं, ये दिखे कितना अच्छा गेम है ना। अरे अरे अरे, एक एक बार और फिर से, अरे टाइंग 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 टाइंग, अरे चला गया अंदर, टाइंग 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 टाइंग, अरे अंदर चला गया, चले बोर नहीं करूँगा। पासवर्ड देखने नहीं बताऊँगा, इतना ही देखो, ज़्यादा टेक्निकल आदमी हूँ नहीं, अंदर देख के क्या करोगे, क्या करोगे। फेस रिकॉग्निशन है, अच्छा फ़ोन है, लेकिन सैमसंग ये आपने ठीक नहीं किया। ब्लू कलर का मैंने मंगवाया था, भेजा आपने ब्लैक, गलत बात है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं था तो आपको बताना चाहिए था पहले, सही बोल रहा हूँ या नहीं मैं बताइए आप। ऐसा कोई करता है यार, ब्लू कलर का फ़ोन के सपने देखो आता है ब्लैक, ऐसा नहीं होता। सो सैमसंग, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड फॉर द नेक्स्ट टाइम, ओके। सो गाइस, यही था, टेक्निकल लाइन का आदमी हूँ नहीं, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं आपको, बस नया चीज़ है आपके साथ शेयर करने का मन किया तो मैंने कर दिया। पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो लाइक करो, फ़ोन पसंद आए तो लाइक करो, मैं पसंद हूँ तब भी लाइक करो, कुछ भी करो, लेकिन लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गाइस, हमारा अनबॉक्सिंग का वीडियो हो चुका है ख़त्म, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मेरे को पता नहीं और ना ही मैं आपके साथ आपको पकाना चाहता हूँ, जानता नहीं तो पकाऊंगा कैसे, लीव इट, बैड जोक। सो, नया चीज़ था, मन की इच्छा थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैंने शेयर किया, आपको पसंद आया होगा, फ़ोन पसंद आए, मैं पसंद आऊँ नहीं पसंद आऊँ कोई बात नहीं, फिर भी लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बाय, जय हिंद।